हे गाइस दिस इज डैन फ्रेंड्स आज हम थोड़े से कुछ रूल्स समझ रहे हैं जैसे कि आप सबको पता ही है क्वारंटाइन चल रहा है एवरी पर्सन इज जस्ट लॉक्ड ओवे तो एंटरटेनमेंट के लिए लोग ऑनलाइन तंबोला खेल रहे हैं दे आर वेडी कन्फ्यूज व्हाट आर द रूल्स इवन आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज बट आई जस्ट लर्न समथिंग सो एम जस्ट शेयरिंग विद यू गाइज देखिए इस तरह का कुछ तंबुल का अगर आप प्रैक्टिकली खेलते हैं तो इस तरह का उसका कुछ बोर्ड होता है उसमें अगर आप देख सकते हैं वन टू नाइन्टी के डिजिट्स होते हैं इस तरह की उसकी जो बीच में आपकी स्लिप देख रही है इस तरह की कुछ टिकट्स रहती हैं देन एक एक नंबर कॉल होता है उस बाउल में से और फिर वो नंबर को लोग कट करते आते हैं जैसे जो टिकट दिख रही है वैसी एक सिमिलर टिकट मैंने यहाँ ड्रॉ की है जो मैंने गेम खेला था तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक हाउ इट वर्क्स जैसे मेरा टिकट नंबर जो आप देख सकते हैं देन उसके बाद अपना नाम जो नंबर्स आपको टिकट दिए जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज टू सी दैट ये जो टिकट है इसमें फिफ्टीन डिजिट्स होते हैं ओके जैसे कि सीख सकते हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्टीन डिजिट्स होते हैं और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कॉलम्स होते हैं और थ्री रोज होते हैं ओके तो इसमें जो होता है बेसिकली हम जो नंबर कॉल होता है फर्स्ट स्टेप होता है उनको नंबर को कट करना होता है जैसे इफ़ समवन कॉल फॉर ट्वेल्व नंबर आई जस्ट कट दैट नंबर तो उसके बाद अगर आपने सूडो को खेला है या इस टाइप के कुछ फंकी गेम्स खेले हैं तो यू हैव वेरे गुड आइडिया ऑफ इट अगर नहीं खेले तो भी हम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हैव टू कट द नंबर फर्स्ट थिंग उसके बाद जो है जो जैसे आप देखिए जो उसमें जो आप जीतेंगे कैसे विनिंग क्लेम जो अर्ली फाइव जो लिखा है अर्ली फाइव इज वैन वेन जब फा जो पांच डिजिट कोई से भी पूरे बॉक्स में से आपके टेबल में से अगर पांच नंबर कोई भी कट होते कहीं पे भी तो दैट यू कैन क्लेम फॉर अर्ली फाइव ओके देन इसके बाद फर्स्ट लाइन इफ आपके फाइव फर्स्ट लाइन में फाइव डिजिट होते हैं तो यू कैन कंप्लेन फॉर फर्स्ट लाइन देन उसके बाद सेम सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन के लिए है ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन ठीक है देन उसके बाद जो है यंग यंग वन टू फोर्टी नाइन मतलब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें इस टेबल को जो इसका स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है वंस ये टें ट्वेंटीज इस तरह की इनकी वो चलती हैं फिफ्टीज तो जो आपका जो ये फोर्टी नाइन फिफ्टी से पहले वाले जो डिजिट्स हैं वंस से लेके फोर्टी नाइन दे आर कॉल्ड यंग नंबर्स एंड फिफ्टी से लेके जो जो नंबर no है नाइन्टीज तक दे आर ओल्ड नंबर्स नो मैटर वो नंबर्स कहाँ पे भी हैं बट वो लोग वगैरह सारे नंबर्स जो आपके बॉक्स में एंटायर बॉक्स में जो प्रेजेंट है सारे यंग वाले अगर वो कट डाउन हो जाते हैं फर्स्ट तो यू कैन क्लेम फॉर द विन ओके okay, उसके बाद अगर सेम एज़ इट इज़ ओल्ड के साथ भी वो सेम चीज़ है अगर आपके पास वो ओल्ड जो नंबर्स हैं लाइक जिसमें मैं बताता हूँ फिफ्टी फिफ्टी सिक्स सिक्सटी सेवन सेवेंटी एट्टी थ्री एटी फाइव दी इस द ओल्ड नंबर इन माई बॉक्स जब ये कट हो जाते हैं तो आई कैन क्लेम फॉर दैट ठीक है ये हो गया आपका यंग एंड ओल्ड लंच लंच इज़ अगर आप इसको ना सूडो को जैसे डिवाइड कर लें ओके नाइन नाइन बॉक्स में सूडो को अगर आप खेलते हो इससे काफ़ी रिलेटफुल है तो यू कैन सी दिस बॉक्स एज अ डिफरेंट दिस बॉक्स इज अ डिफरेंट और उसको एक सिमिलर मतलब um, तो बहुत ईजी नेम्स दिए दिस इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट दिस इज़ लंच एंड दिस इज डिनर ओके ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तो अगर इसके सारे डिजिट्स इस नाइन बॉक्स में जो सारे डिजिट्स कट होते हैं यू कैन क्लेम फॉर डिनर अगर इस ब्लॉक के सारे डिजिट्स कट होते हैं यू कैन क्लेम फॉर लंच एंड इफ सारे इस ब्लॉक के सारे डिजिट्स कट होते हैं यू कैन

तो जो भी इस लाइन के इधर के इसमें जो है फोर कॉर्नर्स रहेंगे अगर वो कट होते हैं तो यू कैन कम क्लेम फॉर फोर कॉर्नर्स उसके बाद देन इज़ हाउसफुल वन हाउसफुल टू एंड हाउसफुल थ्री ऐसे ही ऐसे ये कैटेगरीज तो एक मैं आपको आ, वो बता रहा हूँ जो यूज़ होती है इसके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज हैं जो इंसान और भी इसमें अगर चाहे तो कुछ और क्रिएटिविटी भी ऐड कर सकता है ठीक है अब देट इज़ हाउसफुल है जब आपके सारे कट हो जाते हैं दैट इज़ कॉल हाउसफुल आप हाउसफुल के लिए क्लेम कर सकते हो बट स्टिल अगर अपन सबको देखें कि हाउसफुल बहुत सारे लोग का होता है हाउसफुल के लिए दो तीन परसेंट क्लेम कर सकते हैं अलग 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 रूल्स होते हैं आप रूल्स मेन्यू जो भी प्ले कर रहा है ऑर्गेनाइज़ कर रहा है उसे थोड़े से समझें बट दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ दिस गेम अच्छा क्लेमिंग ऐसा रहता है कि क्लेम आप कुछ ही लिमिटाइज टाइम पे कर सकते हैं मतलब जो फर्स्ट क्लेम करता है ही इज़ द विनर इस टाइप का रहता है और सारे रूल्स ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर पर डिफर करते हैं यू कैन क्लियर विद इट ये है ऑनलाइन खेलने का तरीका इसी की तरह होता तो ऑफलाइन गेम भी होता सेम एज इट इज ही होता है सो so, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी